हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जमशेद स्टाइल ब्लॉग। तो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ होंडा सीबी 125R बाइक के बारे में, जो कि इंडियन मार्केट में अपकमिंग बाइक रहने वाली है, बहुत जल्द आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिलने वाली है। तो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बाइक के इंजन डिटेल्स के बारे में कि क्या क्या फीचर्स आपको इस बाइक के अंदर मिलने वाले हैं। तो आपको जो इंजन मिलने वाला है वो 124.9 cc लिक्विड कूल्ड 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर PGM-FI इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन के साथ देखने को मिलने वाला है। वहीं अगर मैं बात करूं इसी के साथ साथ मैक्सिमम पावर की, तो इस गाड़ी की जो मैक्सिमम पावर आपको मिलने वाली है वो 14.7 hp विद 10,000 rpm के साथ देखने को मिलने वाली है। वहीं अगर मैं बात करूं इस बाइक के टॉर्क की, तो टॉर्क जो आपको मिलने वाला है 11.6 Nm विद 8,000 rpm के साथ देखने को मिलने वाला है। अब फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं इस बाइक के माइलेज एंड टॉप स्पीड के बारे में। तो माइलेज जो आपको मिलने वाला है इस बाइक का, वो मिलने वाला है 45.5 km/l अप्रॉक्सीमेट देखने को मिलने वाला है। तो गाइस, माइलेज जो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट बाइक का रहने वाला, काफ़ी ज़्यादा इंडियन मार्केट में धमाल मचाने वाली है बाइक माइलेज को लेकर के। अगर बात करें टॉप स्पीड के बारे में, तो टॉप स्पीड जो इस बाइक की रहने वाली है वो 120 km/h अप्रॉक्सीमेट रहने वाली है। तो गाइस, माइलेज और टॉप स्पीड जो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस आने वाली है, काफी ज्यादा इंडियन मार्केट में ये बाइक धमाल मच। अब बात कर लेते हैं गाइस इस बाइक के ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। तो ब्रेकिंग सिस्टम जो आपको मिलने वाले इस बाइक के, ड्यूल चैनल ABS मिलने वाले हैं। तो जी हाँ फ्रेंड, ड्यूल चैनल ABS इस बाइक के अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं। अब फ्रेंड, बात कर लेते हैं इस बाइक के डायमेंशंस एंड वेट के बारे में। डायमेंशंस के वेट के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो कर्व वेट के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो आपको जो मिलने वाला है इस बाइक के अंदर 130 kg का कर्व वेट मिलने वाला है। वहीं अगर मैं बात करूँ ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में, तो ग्राउंड क्लियरेंस जो मिलने वाला है 140 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं सीट हाइट के बारे में, क्योंकि सीट हाइट को लेकर काफी ज्यादा लोग एक्साइटेड रहते हैं कि क्या सीट हाइट होने वाली है। तो सीट हाइट जो रहने वाली है वो 816 mm की सीट हाइट देखने को मिलने वाली है। अब फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं इस बाइक के फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में। तो फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो आपको मिलने वाली वो 10.1 L की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलने वाली है। अब फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंट कंसोल फीचर के बारे में, जो कि आपको मिलने वाले स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, ट्रिप मीटर, ऑडोमीटर, फ्यूल कंजप्शन, गैस क्लॉक, ABS लाइट, RPM गियर डिस्प्ले, फ्यूल गॉज, गियर इंडिकेटर, डिजिटल पास लाइट, ये सारे के सारे ऑप्शन इस बाइक के अंदर आपको डिजिटल देखने को मिलने वाले हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ हेडलाइट, टेल लाइट, तो इस बाइक के अंदर आपको LED ही देखने को मिलने वाली है। तो गाइस, बाइक जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार एंड इंटरेस्टिंग रहने वाली है और लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। अब फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं इस बाइक के एक्सपेक्टेड प्राइस के बारे में। इस बाइक के जो एक्सपेक्टेड प्राइस हैं वो क्या रहने वाले हैं? तो गाइस, प्राइस जो है वो 1,10,000 rupees रहने वाले, यानी कि 1,10,000 rupees इस बाइक के एक्सपेक्टेड प्राइस रहने वाले हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो ऑन रोड प्राइस के बारे में तो आपको पता होगा कि हर जगह के अलग होते हैं, लाइक थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते रहते हैं, बट ज़्यादा नहीं होते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और इस बाइक से जितने भी रिलेटेड जानकारी आपको चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। मैं न्यू से न्यू अपडेट आपको देता रहूँगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं ऐसी एक और अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और थोड़ा सा हमारा भी।